हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ एपी सर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर अ न्यू टॉपिक दैट इज पैरलर लाइन एंड ट्रांसवर्सल पैरल लाइन एंड ट्रांसवर्सल स्टडीड इन लोअर स्टैंडर्ड्स फिफ्थ का बच्चा में पढ़ा सिक्स का बच्चा सेवेंथ में भी पढ़ा सेवंथ का बच्चा एट्थ में भी पढ़ेगा एट्थ का बच्चा नाइन्थ में भी पढ़ेगा नाइन्थ का बच्चा टेंथ में भी पढ़ेगा ये टॉपिक ही ऐसा है बच्चों लोअर स्टैंडर्ड से लेके टेन तक चलता है तो आज इस कंसेप्ट के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों ओके okay? तो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरल लाइन एंड ट्रांसवर्सल सो लेट स्टार्ट द टॉपिक सबसे पहले पैरल लाइन्स पैरल लाइन्स में एक वर्ड है लाइन तो वर्ड इज द मीनिंग ऑफ लाइन चलो देखते हैं लाइन का मतलब क्या है अ लॉन्ग थिन मार्क ऑन एनी सरफेस आप क्या कीजिए कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी सरफेस के ऊपर एक लॉन्ग थीन मार्क बना दीजिए लॉन्ग थीन मार्क बना लीजिए उस लॉन्ग थीन मार्क को लाइन कहते हैं बच्चों सो व्हाट इज अ लाइन अ लॉन्ग थीन मार्क ऑन एनी सरफेस बच्चों एनी सरफेस ओके नाउ कम टू द मेन टॉपिक दैट इज पैरल लाइन्स पैरल लाइन्स का डेफिनेशन जो है तीन शब्दों में ही खत्म हो जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हाट आर पैरल लाइंस पैरल लाइंस क्या होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं उन्हें पैरल लाइंस कहते हैं कोई भी प्लेन सरफेस ले लीजिए बच्चों कोई भी प्लेन सरफेस जैसे आपके सामने अभी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ओके okay. ये भी बोर्ड क्या है एक फ्लैट स्मूथ सर्फेस है इसे मैं प्लेन कहूंगा ये सो नो सो कोई भी प्लेन सरफेस ले लीजिए और उस प्लेन सरफेस पे सेम डायरेक्शन में जाने वाले लाइंस सेम डायरेक्शन में जाने वाले लाइंस आगे जाके अगर वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उन दो लाइंस को हम पैरल लाइंस कहेंगे इन एनी प्लेन इन एनी प्लेन इफ टू लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट इच अदर देन दो लाइंस आर सेट टू बी पैरल लाइंस ओके पैरल लाइंस दिखता ऐसा है Now, इस कॉन्सेप्ट में एक और नाम है पैरल लाइन के साथ साथ वो है ट्रांसवर्सल तो बच्चों चलिए ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है जरा समझ के लेते हैं रेडी सो अ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल इज अ लाइन ट्रांसवर्सल एक लाइन होता है क्या होता है बच्चों वो एक लाइन करता क्या है ये लाइन इंटरसेक्ट के जाता है काट के जाता है इंटरसेक्ट करता है किसको करता है इंटरसेक्ट एनी टू गिवन लाइंस को कोई भी दो गिवन लाइंस को एक लाइन जब इंटरसेक करके जाता है एट टू डिस्टिंग पॉइंट्स एट टू डिस्टिंग पॉइंट्स पे जब वो लाइन इंटरसेक्ट करके जाता है दो गिवन लाइन को तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों हम उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं तो व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट एनी टू गिवन लाइंस एनी टू गिवन lines एट टू distinct पॉइंट ध्यान से देखिए टू डिफरेंट पॉइंट्स पे लाइन पी दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया लाइन एल और लाइन एम को दो अलग अलग पॉइंट पे काट के गया टू डिफरेंट पॉइंट्स पे काट के गया उसमें से एक का नाम है ए दूसरे का नाम है बी सो टू गिवन लाइन का नाम है एल एंड एम और लाइन पी ने उसे इंटरसेक्ट किया इसलिए लाइन पी को हम क्या बोलेंगे बच्चों ट्रांसवर्सल क्या बोलेंगे उसे ट्रांसवर्सल ओके सो ट्रांसवर्सल आपने देखा कितने टू डिस्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एम राइट right? अब ये two distinct point पे, ये टू डिस्टिंग पॉइंट पे ट्रांसवर्सल एंगल्स फॉर्म करता है क्या फॉर्म करता है बच्चों एंगल्स फॉर्म करता है तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों सो ऑल ऑफ यू रेडी चलिए जब ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है जब ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो टोटल टू डिस्टिंग करता है बच्चों व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेकट टू गिवन लाइंस एट टू डिस्टिंग पॉइंट देन दैट ट्रांसवर्सल मेक्स एट एंगल्स फॉर्म एट एंगल्स एट दोस्टिंग पॉइंट उन दो डिस्टिंग पॉइंट के ऊपर ट्रांसवर्सल टोटल एट एंगल्स बनाता है ध्यान से इस डायग्राम के अंदर देखिए ये है ट्रांसवर्सल और ये टू डिस्टिंग है बच्चों और इन टू डिस्टिंग पॉइंट्स पे टोटल एट एंगल्स बन रहा है और हमने उन एंगल्स को नाम भी दे दिया है समझने के लिए जैसे यहां पर इस एंगल का नाम हमने एंगल ए रखा है यहां पर एंगल बी रखा है सो ऑन यहां पर सी डी एफ जी एच तो हमने इन एट एंगल्स को नाम दे दिया तो क्या देखा हमने कि जब ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो टोटल कितने एंगल्स बनाता है बच्चों एट एंगल्स बोलना नहीं है और आज का जो लेक्चर है इन्हीं एट एंगल्स के ऊपर है बच्चों ये एट एंगल्स के बीच में चार रिलेशंस बनते हैं इन एट एंगल्स के बीच में चार रिलेशंस बनते हैं बच्चों कितने चार रिलेशन और आज के लेक्चर में हम उन्हीं चार रिलेशंस के बारे में उन्हीं चार रिलेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं तो चलिए वन बाय वन करके एक एक रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों सो रेडी चलो सबसे पहला रिलेशन जो है दैट इज घरस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल दिखते कहां पर है मिलेंगे कहां पर कौन से शेप में मिलेंगे चलिए मैं आपको यहां पर कुछ रफली ड्रॉ करके समझाऊंगा आपको ध्यान देना है ओके अब मैंने यहां पर बना दिया है एफ शेप क्या मैंने ड्रॉ किया बच्चों एफ शेप ए बी सी डी ई एफ एफ मालूम है ना बच्चों एम तो यहां पर मैंने चार एफ बनाया हूं कितने एफ बना दिया चार एफ अब ध्यान से ध्यान से आपको क्या करना है इन चार एफ को इस डायग्राम के अंदर ढूंढना है कहां दिख रहा है ये चार एफ ध्यान से देखिए आपको ये चारों एफ यहां पर देखने मिलेंगे और इन एफ शेप में इन एफ शेप में बच्चों आपको मिलेंगे पैरस ऑफ एंगल्स क्या मिलेंगे पैरस ऑफ एंगल्स और इन पेयर ऑफ एंगल्स को हम कारस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं तो जब एक ट्रांसवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहने जा रहा हूं इसे दिमाग में फिट कर लीजिए बच्चों जब एक ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो टोटल चार एफ शेप बनता है टोटल चार करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ियां मिलती है बच्चों। ओके चलिए इन जोड़ियों को अब हम अच्छे से नोटिस करेंगे ओके सबसे पहला एफ शेप यहां पर आपको दिख रहा है जिसमें आपको मिल रहा है एंगल सी एंड जी चेक कीजिए सी और जी आपको मिला पहला जोड़ी मिला करस्पोंडिंग एंगल का ना दूसरा जोड़ी है डी एंड एच चेक कीजिए डी एंड एच इज द सेकेंड पैर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल ना थर्ड पैर बी एंड एफ चेक कीजिए द थर्ड पैर बी एंड एफ ना फोर्थ पैर ए एन ई सो बच्चो यहां पर आपको चार जोड़िया देखने मिल रही है एंगल सी एन एंगल जी एंगल डी एन एंगल एच एंगल बी एन एंगल एफ एंगल ए एन एंगल ई सो देर आर फोर पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स फॉर्म वेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एनी टू गिवन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहाक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल की चार जोड़िया बनती है और भूलना नहीं है बच्चों ओके तो यह था पहला रिलेशन ना कम टू द सेकेंड रिलेशन द सेकेंड इज इंटीरियर एंगल्स अब इंटीरियर एंगल्स कहां दिखते हैं ओके कौन से शेप में होते हैं चलिए देखते हैं तो इंटीरियर एंगल्स दे आर ऑलवेज इन सी शेप दे आर ऑलवेज इन सी शेप ध्यान से देखिए जब एक ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो पूरे डायग्राम के अंदर दो सी शेप बनते हुए दिखेंगे आपको ध्यान से इन दोनों सी शेप को यहां पर ढूंढने की कोशिश कीजिए डेफिनेटली आपको मिलेगा राइट right? चलो सबको मिल चुका है अब सी शेप में आप क्या नोटिस कर रहे हो पेर ऑफ एंगल्स क्या नोटिस किया आपने पैर ऑफ एंगल्स और इन पैर ऑफ एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों इंटीरियर एंगल्स तो पहला जोड़ी जो है पहला जोड़ी ध्यान से देखिए बच्चों पहला जोड़ी है सी एन एफ का और सेकेंड पैर जो है वो है डी एन ई का सो so, टोटल यहां पर बच्चों हमें मिलते हैं टू पैर एंगल सी एंड एंगल एफ एंगल डी एन एंगल ई सो टोटल आपको कितने पैर मिले बच्चों टू पैर कितने पैर मिले टू पैर तो क्या सीखा हमने कि जब एक ट्रांसफर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो दो इंटीरियर एंगल की जोड़िया बनती है कितनी दो इंटीरियर एंगल की जोड़िया बनती है दिस वॉज अ सेकेंड रिलेशन ना कम टू दर्ड रिलेशन द थर्ड रिलेशन इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इन्हें टीचर्स इन्हें टीचर्स ऑल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बोलो या ऑल्टरनेट एंगल बोलो वन इन द सेम है ओके okay? अब ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन से शेप में मिलेंगे कहा मिलेंगे चलो देखते हैं सो so ये आपको जेड शेप में मिलेंगे कौन से शेप में मिलेंगे बच्चों Z शेप तो चलिए इन दो Z शेप को यहां पर ढूंढने की कोशिश कीजिए बच्चों जब एक ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो टोटल दो जेड शेप बनेंगे कितने है? दो जेड शेप बनते हैं बच्चों ओके okay? ध्यान से ढूंढिए आपको डेफिनेटली ये दो जेड शेप यहां पर देखने को मिलेंगे। और इन जेड शेप के अंदर आपको मिलेंगे पैर्स ऑफ एंगल्स क्या मिलेंगे आपको पैर्स ऑफ एंगल्स और इन पैर्स ऑफ एंगल्स को बच्चों इन पैर्स ऑफ एंगल्स को हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं तो पहली जोड़ी जो है ध्यान से देखिए पहली जोड़ी है डी एन एफ की और सेकेंड जोड़ी है सी एन ई की सो द फर्स्ट पेयर इज एंगल डी एन एंगल एफ एंगल सी एन एंगल ई वी गेट टू पेयर्स वी गेट टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू गिवन लाइंस then we get two z shape that means we get two pairs of interior alternate angle ye cheez dimag mein rakh lijiye bachcho okay to ye tha third relation now bachcho come to the fourth relation ye last relation hai okay इसे कहते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल द फोर्थ रिलेशन इज एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ओके अब ये कौन से ध्यान से देखेंगे हम लोग यहां पर ready सब बच्चों पहला जोड़ी है एंगल ए एंड एंगल जी का द फर्स्ट पैर इज एंगल ए एंड एंगल जी द सेकेंड पैर ओके द सेकेंड पैर इज एंगल बी एंड एंगल एच एंगल बी एंड एंगल एच तो दिस आर द टू पेरस ऑफ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल तो जब एक ट्रांसवर्सल जब एक ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो हमें पूरे डायग्राम के अंदर दो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की जोड़ियां मिलती हैं कितनी दो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की जोड़ियां मिलती है अब इसे पहचानना कैसे तो इट इज वेरी सिंपल लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपने ऊपर से टॉप वाला एंगल लिया है तो नीचे से राइट हैंड साइड पे से नीचे से लास्ट वाला एंगल लेंगे ओके यू कैन से डायगोनली हमें डायगोनली देखना है ओके यहां से अगर हमने बी लिया तो डायगोनली यहां से एच आएगा ओके यहां तक क्लियर सबको तो दिस आर द फोर रिलेशन ओके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स तो ये चार रिलेशन आपने देख लिया है चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ेंगे ओके okay? जब एक ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है जब एक ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है वो दो गिवन लाइन मे और मे नॉट बी पैरेलल, वो पैरेलल हो भी सकते हैं वो दो गिवन लाइन या फिर वो पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर वो पैरेलल है तब भी एट एंगल्स बनेंगे अगर वो दोनों गिवन लाइन पैरेलल नहीं है देखो देखो यहां पर मैंने दो लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल नहीं है लाइन एल एंड लाइन एम आर नॉट पैरेलल दे विल इंटरसेक्ट जब वो फर्दर मूव करेंगे तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट इच अदर लेकिन यहां पर मैं खुद कह रहा हूं आपको दिमाग में रख लेना है कि लाइन एल और लाइन एम यहां पर पैरेलल है लेकिन यहां पर पैरेलल नहीं है दोनों केस में ट्रांसवर्सल ने क्या किया उसको इंटरसेक्ट किया दोनों केस में ट्रांसवर्सल ने क्या किया इंटरसेक्ट किया इंटरसेक्ट करके दोनों केस में कितने एंगल्स बने एट एंगल्स बने ध्यान से देखिए दोनों केसेस में सी शेप भी बना इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एंड खरसपॉन्टिंग एंगल्स लाइन पैरल हो या ना हो ये जोड़ियां बनेगी हंड्रेड एंड वन परसेंट ये पैर बनेंगे चीज दिमाग में रख लीजिए कई बार मैंने देखा है बच्चों को यह चीज का नॉलेज नहीं होता है ओके okay, वो क्या सोचते हैं कि अगर लाइन पैरल है तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है ऐसा नहीं है बच्चों अगर लाइन पैरल नहीं भी है तब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है तब भी ऑल्टरनेट एंगल्स बनता है तब भी इंटीरियर एंगल्स बनता है ओके okay, लेकिन लेकिन ये वर्ड आ गया ना लेकिन कंडीशन डाल दिया हमने लेकिन अगर लाइन पैरल है लेकिन लाइन पैरेलल है तो इन एंगल्स के बीच में कुछ अलग रिलेशंस बनना शुरू हो जाते हैं तो चलिए इफ वो कंडीशन पे काम करते हैं कि इफ पैरेलल तब क्या होता है इन एंगल्स को लेके? बनते तो दोनों केसेस में चाहे वो लाइन पैरेलल हो या ना हो एंगल्स तो बनेंगे लेकिन अगर लाइन पैरेलल हो तो उन एंगल्स के बीच में क्या नया रिलेशंस बन जाता है चलिए अब उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं ओके okay?

सप्लीमेंट्री का मतलब होता है टोटल वन एटी होता है सी शेप के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल वन एटी होता है यह भूलना नहीं है लेकिन कंडीशन अप्लाइड लाइन पैरल होना चाहिए लाइन अगर पैरल नहीं है बच्चों लाइन अगर पैरल नहीं है तो इंटीरियर एंगल का टोटल वन एटी नहीं होगा कुछ भी होगा लेकिन वन एटी नहीं होगा ओके okay. वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जो मैंने अभी कहा कि अगर लाइन पैरल है तो दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट लेकिन अगर तो लाइन पैरल नहीं, तो तो नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा लेकिन वो लोग कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे उनका मेजर डिफरेंट होगा बच्चों उनका डिफरेंट होगा तो कंडीशन अप्लाइड है लाइन होना चाहिए ओके अगर लाइन पैरल है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं उनका मेजर भी इक्वल होता है बच्चों लेकिन अगर लाइन पैरल नहीं है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल जेड शेप के एंगल्स का मेजर कभी भी इक्वल नहीं होगा डिफरेंट होगा उनका मेजर ओके okay, ये दिमाग में आपके फिट हो गया वेरी गुड नाउ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इनका भी मेजर्स इक्वल होता है लाइन पैरल नहीं है तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होते है, तो कंडीशन अप्लाइड इफ लाइन पैरल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ओके इंटीरियर एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जिन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स भी कह सकते हैं angles, दे दे आर आर ऑलवेज ऑलवेज एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आपको दिमाग में चारों कंडीशन फिट कर देना है चलिए इन चार कंडीशन को लेकर हम कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं ओके चलिए एग्जाम्पल नंबर वन अब हमारे इस एग्जाम्पल नंबर वन में क्या दिख रहा है बच्चों एक डायग्राम दिख रहा है जहां पर लाइन एल और लाइन एम आर द टू गिवन लाइंस एंड लाइन पी इंटरसेक्ट बोथ द लाइन ओके एक्ट पॉइंट और यहां पर कुछ एंगल्स को हाईलाइट किया गया है एक्स एंड वाई करके गिवन में क्या दिख रहा है मतलब दिया क्या है गिवन में क्या दिख रहा है कि लाइन एल इज पैरल टू लाइन एम मतलब दे दिया है कि लाइन एल एंड लाइन एम बोथ आर पैरल टू ईचर और क्या कहने मतलब क्या करने के लिए कहा गया है तो उन्होंने यहां पर बोला है देन स्टेट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंगल एक्स और एंगल वाई के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें पताना है बच्चों रेडी तो चलिए देखते हैं लाइन पैरल है अब लाइन पैरल है सोल्यूशन लाइन एल इज पैरल टू लाइन एन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन इन द एग्जाम्पल सो एंगल एक्स एन एंगल वाई आर करस्पॉन्डिंग एंगल दे आर इन एफ शेप सो एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल वाई मतलब दोनों कांग्रेट होंगे दोनों कांग्रेट होंगे बच्चों ओके okay? तो हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि जब लाइन पैरल होता है तो एफ शेप के एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल लाइन 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 एंड यहां पर भी है। है ये दोनों गिवन और लाइन पी ट्रांसवर्सल है और, और यहां पर आपको सी शेप के एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं राइट right? और हमें पूछा गया है कि एक्स और वाई जो यहां पर सी शेप में दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है ये पूछा है तो चलो लिख के दिखाएंगे सल्यूशन <coughs> लाइन एल इज ऑलरेडी पैरल टू लाइन एम गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द एंगल एंगल एंड दाय आर इंटीरियर एंगल वाय बिकॉज दे आर इन सी शेप दे आर इन शेप, तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई का सम, सम मतलब होता है बच्चों एडिशन आपको समझा दिया है राइट चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री यहां पर भी लाइन पैरल लेकिन इस बार इस बार जिस एंगल को हाईलाइट किया गया है वो एंगल जेड शेप के बच्चों कौन से बच्चों सो so, यहां पर भी उन्होंने बोला है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर लाइन l जो है वो ऑलरेडी पैरल है लाइन m के साथ हमें एग्जाम्पल में दे दिया गया है एंगल x एंड एंगल Y आर ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स इन जेड शेप देर फो एंगल x इज ट्रांसवर्सल okay. तो ध्यान से देखिए यहां पर जिस एंगल को हाईलाइट किया गया है दे आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया भी था राइट और उन दोनों एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के रिलेशन के बारे में पूछा है तो लाइन अगर पैरल है तो यह एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं आपस में कॉन्ग्रेन सो so, बच्चों यहां पे सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि लाइन एल इज ऑलरेडी पैरल टू लाइन एम गिवन इन द क्वेश्चन गिवन इन द एग्जाम्पल यहां पे एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स देर फो एंगल एक्स विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई ओके सो हमने यहां पर चारों रिलेशन से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व करके देखा कि जब लाइन पैरल होता है तो उन एंगल्स के बीच में क्या हो जाता है जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वह कांग्रेट हो जाते हैं इंटीरियर एंगल है तो वह सप्लीमेंट्री हो जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल है तो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है तो दे ऑल्सो बिकम कॉन्ग्रेंट कांग्रेट दंडीशन एफ लाइन शुड बी पैरल ओके सो आज के लेक्चर में बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ाई की हमने पैरल लाइन के बारे में पढ़ाई की एंड ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ाई की ट्रांसवर्सल जब दो पैरल लाइन को या कोई भी दो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो टोटल एट एंगल्स बनाता है और उन एट एंगल्स में चार रिलेशन बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एंड देन हमने ये भी स्टडी किया कि जब लाइन पैरेलल होता है तो इन चारों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशंस बन जाते हैं जैसे लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कांग्रेट होगा ओके इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल विल बी कॉन्ग्रेंट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल विल ऑल्सो भी कॉन्ग्रेंट ये हमने स्टडी किया आज के लेक्चर में तो दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू पैरल लाइन एंड ट्रांसवर्सल जो हम लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं एंड टिल टेंथ स्टैंडर्ड तक हम इसे पढ़ने वाले हैं और इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं डिफरेंट चैप्टर्स में तो ये दिस टॉपिक वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ओके आई होप दैट आज का लेक्चर आपको समझा होगा आज के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे नए लेक्चर में और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए घर पर रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए अपना ध्यान रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए थैंक यू वेरी मच बच्चों